फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने यूको बैंक में आधार लिंकेज करा सकते हैं। अगर आपके पास यूको बैंक अकाउंट्स है और अगर आपके खाते में आधार कार्ड की लिंकेज नहीं है तो इस वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और अपने खाते में आधार कार्ड की लिंकेज करा सकते हैं और अपने बैंक के जो बेनिफिट्स है आप यहाँ से पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग की रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अभी लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, चाहे वो क्रोम ब्राउज़र हो या फिर आपका कोई भी ब्राउज़र। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में आना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है यूको बैंक, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुलकर आता है। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जहाँ पर लिखा हुआ है यूको बैंक और yukobank.com, आपको यहाँ पर पहला वाला को क्लिक कर लेनी है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज थोड़ा सा लोडिंग लेती है। उसके बाद आपके सामने यूको बैंक की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने खुलकर आ जाती है। ठीक है, तो आपको इसको डाउन करते हुए इसको नीचे आना है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर आपको आना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है आधार कार्ड लिंकेज। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज थोड़ा सा लोडिंग लेता है और आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पेज थोड़ा लोडिंग लेती है और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आता है। और यहाँ पर आपको दिखाई देता है जहाँ पर लिखा हुआ है लिंक योर अकाउंट टू आधार कार्ड्स। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर लेनी है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर चार तरह का प्रोसेस आते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है आधार नंबर रजिस्ट्रेशन, और आपको यहाँ पर दिखाई जाती है कि इंटरनेट बैंकिंग यूजिंग SMS थ्रू ATMs और OTP बेस्ड KYC फॉर कस्टमर्स। तो अगर आपने यूको बैंक की इंटरनेट बैंकिंग ले रखी है तो आप यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको अपना आधार कार्ड की लिंकेज अपने यूको बैंक से करा सकते हैं। और अगर आपके बैंक में यूको बैंक में अगर आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप SMS के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए आपको यूजिंग SMS पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नंबर दिखाई दे रहा है 9231008888, तो आपको इस नंबर को कॉपी कर लेना सिंपली। उसके बाद आपको मोबाइल को जो SMS बॉक्स में जाना है जहाँ से आप SMS टाइप करते हो, उसके बाद आपको लिखना क्या है, आपको मैसेज बॉक्स में लिखना है UCOAADHAAR यानी कि यूको आधार लिखना है। उसके बाद आपको स्पेस देना है। उसके बाद आपको 12 डिजिट का जो आधार नंबर आपको फिलअप करनी है। उसके बाद आपका जो भी अकाउंट नंबर है फिलअप करनी है। उसके बाद आपको इस नंबर पर सेंड कर देनी है। सेंड करने के बाद आपको 48 घंटे के अंदर में आपका जो आधार कार्ड के जो डिटेल्स है आपके खाते से ऐड हो जाता है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास यूको बैंक की डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स है तो आपको यहाँ पर सिंपली थ्रू ATM पर क्लिक करके आप जान सकते हो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपका डेबिट कार्ड है तो आपको अपना यूको बैंक की ATM में जाना होगा और आपको अपना जो कार्ड होता है उसको स्वीप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर अदर सर्विस आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको आधार सेटिंग पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपका जो आधार 12 डिजिट का आधार नंबर है आप फिलअप करके आप यहाँ पर इस तरह का ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको आता है लास्ट ऑप्शन जो होता है OTP बेस्ड KYC फॉर कस्टमर्स, तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। ये बहुत सरल सिंपल प्रोसेस है और आप जस्ट कुछ सेकंड में आप इसको लिंक करा सकते हैं अपने आधार कार्ड के अपने यूको बैंक के खाते के साथ। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देती है आधार OTP KYC, यहाँ पर आपका एक OTP आता है, उस OTP का फिल करना होगा तभी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं अपने आधार कार्ड को अपने खाते के साथ। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी अकाउंट्स की डिटेल्स है आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी आधार की जो डिटेल्स है आधार नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको अपना जो बैंक में रजिस्टर है मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक OTP आती है, उस OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। फिलअप करने के बाद आपका लगभग कुछ सेकंड के अंदर या 12 घंटे 24 घंटे के अंदर में आपका जो भी हो आपका जो आधार कार्ड की डिटेल्स है आपके खाते के साथ जुड़ जाती है। तो ये बहुत सिंपल एंड प्रोसेस है, आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया है और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलते हैं और इस तरह नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहे इस चैनल के साथ। और मुझे दीजिए धन्यवाद। टेक केयर्स एंड बाय बाय।